नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार, स्वागत है आपका रुद्रा ट्रेड यूट्यूब चैनल में। इस चैनल का उद्देश्य है आपको शेयर मार्केट से जुड़ी छोटी छोटी बातों से अवगत कराना। आज का टॉपिक है डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, कैसे मिलता है, आज डिविडेंड की पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले मैं बता दूं कि जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं शेयर मार्केट में, जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो शेयर से हमें दो प्रकार से फायदा होता है। पहला तो कम में खरीदा, कम रेट में खरीदा और महंगे रेट में बेच दिया, ये नॉर्मल ट्रेडिंग हुई। दूसरा होता है कि डिविडेंड, हम कोई चीज खरीद के रखते हैं और कंपनी हमें उस पर डिविडेंड देती है। डिविडेंड मतलब लाभांश, डिविडेंड का मतलब होता है लाभांश। डिविडेंड का मतलब होता है लाभांश। अगर उसको दो भागों में विभक्त किया जाए तो उसे लाभ प्लस अंश कहते हैं, मतलब लाभ का अंश, मतलब प्रॉफिट का कुछ हिस्सा। क्लियर? लाभांश, डिविडेंड का मतलब होता है लाभांश, लाभांश को बोलते हैं लाभ का अंश, लाभांश। तो लाभांश जो हमें दिया जाता है, जो भी कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में लाती है, हम उसे परचेस करके रखते हैं या फिर ट्रेडिंग करते हैं, तो कंपनी उस पर हमें कभी कभी लाभांश भी देती है। जैसे कुछ कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, SBI, रिलायंस, TCS, ये कंपनियां अपने शेयर होल्डर को लाभांश भी देती हैं। मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा आपको कि कौन कौन सी कंपनियां लाभांश देती हैं, आप चेक भी कर सकते हैं। तो सब कुछ ढांचा इस प्रकार है कि जब कंपनी के शेयर्स हम खरीदते हैं, ठीक है, कंपनी के शेयर्स हम खरीदते हैं, बाय करते हैं, रखते हैं, कंपनी उससे जो कमाती है, कंपनी के शेयर्स हमारे पास होते हैं, हम उसे रखते हैं, तो कंपनी देखती है कि हमारे शेयर होल्डर के पास रखे हुए हैं, तो वो अपने प्रॉफिट में से, कंपनी जो भी सालाना, क्वार्टरली या हाफ ईयरली जो भी इनकम करती है, उस प्रॉफिट को यूज करती है। कैसे? या तो अपने शेयर होल्डर्स को लाभांश देती है, डिविडेंड, या फिर उन पैसों का अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उपयोग करती है। क्लियर? कंपनी जब भी कोई पैसा कमाती है तो उसको दो तरीके से इन्वेस्ट करती है, या तो अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट देती है जिसे लाभांश कहते हैं, या तो फिर कंपनी अपने कमाए हुए पैसे को दोबारा अपनी कंपनी में कुछ और करने के लिए इन्वेस्ट करती है जिससे उनकी अर्निंग बढ़े। देखते हैं लाभांश का क्या तरीका होता है, ये कैसे प्राप्त होता है। इसके लिए हम देखते हैं कि एक कंपनी है, कंपनी, कई लोग को नहीं पता है कि कंपनी जब हम लाभांश देती है तो हमें कैसे मिलेगा, क्या करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, किसी को नहीं पता। बहुत से लोगों को नहीं पता है कि जब कंपनी लाभांश देती है तो हमें क्या कंडीशन रहती है कि हमें लाभांश हमें प्राप्त हो। इसके लिए आप एक एग्जांपल देखते हैं कि कंपनी है, कंपनी ने अपना प्रॉफिट कमाई साल भर का, उनके कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है तो कंपनी उसको डिविडेंड देगी या उससे अपनी कंपनी में दोबारा इन्वेस्ट करेगी, वो कंपनी पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो कंपनी उसके लिए एक बोर्ड मीटिंग बिठाती है। एक एग्जांपल समझते हैं, कंपनी एक बोर्ड मीटिंग बिठाती है, इसमें कि उसके शेयर होल्डर्स और जो भी कंपनी के एम्प्लॉयज वगैरह जो बिठाती है वो बिठा लेगी। मान लीजिए अगर अपन 1 तारीख को कंपनी की बोर्ड मीटिंग बैठी है तो उसी दिन डिसाइड हो जाएगा कि रिकॉर्ड डेट क्या होगी। ये बताऊंगा, रिकॉर्ड डेट और पे आउट डेट और एक्स डेट, ये बताऊंगा अभी। बोर्ड मीटिंग में डिसाइड हो जाएगा कि रिकॉर्ड डेट क्या रहेगी और पे आउट डेट क्या रहेगी और एक्स डेट क्या रहेगी। क्लियर? ये चीज बोर्ड मीटिंग में ही क्लियर होगा। अगर उसको डिविडेंड देना होगा तो ये पहले से इस दिन डिसाइड हो जाएगा। और एक्चुअली होता क्या है कि आज आपने शेयर्स खरीदा, शाम तक बेच दिया, आज खरीदा, कल बेच दिया, परसों खरीदा, नरसों बेच दिया,
तो कंपनी डिसाइड नहीं कर पाती कि आपको डिविडेंड देना है या नहीं देना है। इसके लिए जब बोर्ड मीटिंग होती है तो उसमें डिसाइड होता है कि भैया पे आउट कब देना है, रिकॉर्ड डेट क्या रहेगी और एक्स डेट क्या रहेगी। अब देखते हैं एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट और पे आउट डेट। पे आउट डेट मतलब कि आपके खाते में पैसा कब आएगा, पे आउट, ठीक है, आपके खाते में पैसा कब आएगा। रिकॉर्ड डेट, रिकॉर्ड डेट की मतलब उस दिन की क्लोजिंग में आपके खाते पे, आपके जरोदा के अकाउंट में शेयर्स होना चाहिए। अब शेयर्स ऐसा होता है कि T2, अब शेयर्स का ऐसा है कि आपने आज खरीदा और शाम तक रख लिया, बोले ऐसा नहीं होता। एक्चुअली दो दिन में सेटलमेंट होता है, T2 डेज में सेटलमेंट होता है कि आपको दो दिन पहले, जैसे अगर 25 तारीख को रिकॉर्ड डेट है, 25 तारीख के रिकॉर्ड में अगर कंपनी बोलती है कि 25 तारीख को, 25 तारीख की कंपनी अगर बोलती है कि 25 तारीख की क्लोजिंग के दिन जिसके पास शेयर्स होंगे तो उसको हम डिविडेंड देंगे। अब 25 तारीख को तो हम भाई 25 तारीख को सुबह भी खरीद सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। तो 25 तारीख से दो दिन पहले, मतलब 25 को भी नहीं, 24 को भी नहीं, 23 को भी नहीं, उसके एक दिन पहले, दो दिन पहले, मतलब 22 या 22 तारीख से पहले, क्लियर, 22 या 22 तारीख से पहले अगर हमने शेयर्स को खरीद के अपने पास रखा हुआ है तो कंपनी को शो होगा कि हाँ 25 तारीख को आपके पास शेयर्स रखे हैं कंपनी के। तो रिकॉर्ड डेट में, कंपनी के रिकॉर्ड डेट में आपका नाम आ जाएगा। तो अगले 30 तक ये डेट आगे पीछे हो सकती है, ये जस्ट एग्जांपल है। तो पे आउट डेट के दिन आपके बैंक खाते में पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा। अब कैसे कितना पैसा प्राप्त होता है, क्या होता है, उसकी जानकारी भी लेते हैं। देख लिया आपने कि यहाँ पे कंपनी है, डिविडेंड डिक्लेयर डेट कंपनी बोर्ड मीटिंग में डाली है, कंपनी ने बोर्ड मीटिंग के बाद कंपनी ने डिक्लेयर कर दी कि रिकॉर्ड डेट क्या रहेगी, जिस किस डेट में आपके पास डीपी में शेयर्स होना चाहिए। अगर उस दिन आपके अकाउंट में डीपी में शेयर्स हैं तो ही आपको डिविडेंड दिया जाएगा, और उसी दिन डिविडेंड डेट भी, डिविडेंड पे आउट डेट भी फिक्स हो जाती है, ठीक है। तो आपको उसी दिन पे आउट मिलेगा जिस दिन कंपनी ने पे आउट डेट फिक्स की है। रिकॉर्ड डेट के पहले आपके पास शेयर्स होना चाहिए। अब रिकॉर्ड डेट के पहले जो एक्स डेट होती है, रिकॉर्ड डेट से दो दिन पहले, जैसे मान लो 20 तारीख को कंपनी ने डिसाइड किया कि भैया 20 तारीख को रिकॉर्ड डेट है, तो 20 तारीख से दो दिन पहले, मतलब 18 तारीख से पहले आपके पास शेयर्स खरीदना चाहिए आपको, ताकि 18 तारीख के शाम को भी आपके पास रहे होल्डिंग में, 19 को भी, 20 को भी, करेक्ट ना। ये ना सोचे कि आप 20 तारीख को खरीद लेंगे, अगले दिन भेज देंगे, अपना तो काम हो गया, ऐसा नहीं होता है। रिकॉर्ड डेट के दो दिन पहले खरीदना पड़ता है शेयर, तभी आपके डीपी में शो करता है। अब देखते हैं कौन सी कंपनी कितना डिविडेंड देती है। हमें कैसे पता लगेगा कौन सी कंपनी कितना डिविडेंड देती है, क्या चार्जेस है, तो आप ये साइड नोट कर लीजिए, टिकर टेप, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। इस पे आप शेयर कंपनी का नाम डालिए, कौन सी कंपनी का आपको वो चेक करना है डिविडेंड, कि कंपनी ने कब डिविडेंड दिया था, कितना डिविडेंड दिया था, देती है डिविडेंड या नहीं भी देती है, ठीक है। हमने यहाँ ब्रिटेनिया लिखा, ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज आ गया, यहाँ पे उसका पूरा चार्ट मिल जाएगा आपको, एक दिन का चार्ट है ये, एक वीक का, एक मंथ का, आप जो भी देखना चाहें सब कुछ है इसमें। पी रेशियो है, पी बी रेशियो है, डिविडेंड यील्ड है, सेक्टर, इन सबके बारे में अलग अलग से वीडियो बनाऊंगा, अभी तो बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर है ऑप्शन में। यहाँ पे सबसे नीचे आएंगे आप तो आपको दिख रहा है डिविडेंड, कैश डिविडेंड, कंपनी ने कैश डिविडेंड प्रोवाइड की थी 62 रुपए, कितना 62 रुपीज। अगर आपके पास 1000 शेयर्स होते कंपनी के,
इसमें एक्स डेट डिविडेंड का एक्स डेट लिखा है 8 अप्रैल 2021, मतलब आपको 8 अप्रैल से पहले ये शेयर्स खरीद के रखने थे। अगर आपके इसके 1000 शेयर्स होते तो आपको 8 अप्रैल 2021 के पहले अगर आपने इसके शेयर्स खरीद के रखे होते, जो कि 9 अप्रैल तक रखे रहते कम से कम, उसके बाद आप रखना चाहे तो आपकी मर्जी है, 9 अप्रैल तक कम से कम रखे रहते, तो आपको प्रति शेयर 62 रुपीज के रेट से आपको पेमेंट डिविडेंड मिलता, जिसमें कि आपको 62 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से आपको 62,000 रुपये का डिविडेंड प्राप्त होता अगर आपके पास शेयर्स होते तो। ये देखिए यहाँ पे कैश डिविडेंड एक्स डेट अप्रैल 8 2021, डिविडेंड पर शेयर मतलब प्रति शेयर, आपके पास कितने शेयर हैं, प्रति शेयर पर आपको डिविडेंड दिया जा रहा है 62 रुपीज। अब यहां देखते हैं एसबीआई का, देखते हैं एसबीआई कितना डिविडेंड देती है। एसबीआई का देखिए अपन ने यहाँ पे सबसे नीचे आ जाओ, यहाँ पे देखिए 2.60 रुपये, अब इसका रेट भी तो कम है, 360 रुपये इसका रेट, इसने 2.60 रुपये से डिविडेंड दिया है। अब आईटीसी देख लेते हैं, अब जो कंपनी सर्च करना चाहे वो कंपनी का नाम यहाँ पे सर्च बॉक्स में एंटर करें और उसकी डिटेल यहाँ सामने आ जाएगी आपकी। ये आईटीसी का है पूरी जानकारी, इसका डिविडेंड है 5 रुपये, आईटीसी का रेट क्या है 212 रुपये। आप बोलो कौन सा देखना है, एचडीएफसी का देख लेते हैं, एचडीएफसी का इसका भी 5 रुपये डिविडेंड अमाउंट पर शेयर, एक्स डेट भी लिखी हुई है। अगर आपको इनका देखना है कि इन्होंने कब कब डिविडेंड दिए हैं तो वो भी आपको यहाँ दिख जाएगा। इसके लिए आपको यहाँ पे इवेंट्स पे क्लिक करना है, इवेंट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिविडेंड में क्लिक किया है आपको दिख जाएगा। ये देखिए इन्होंने अगस्त 1, 2019 को 5 रुपये का डिविडेंड दिया, जून 20, 2019 को 15 रुपये का डिविडेंड दिया, मई 31, 2018 को 13 रुपये का डिविडेंड दिया। आप चाहें तो पूरे रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं, 16 रुपये, 8 रुपये, 11 रुपये, 13 रुपये, 15 रुपये, ऐसे बहुत सारे कंपनियां हैं जो डिविडेंड प्रोवाइड करती है। और भी देख लेते हैं किसने किसने डिविडेंड दिया है नहीं दिया है। ये देखिए इसका ब्राइट ब्रदर्स का है, अब जो भी कंपनी का नाम यहां एंटर करेंगे उसका शो, उसका डिविडेंड हिस्ट्री यहां शो करेगी, क्लियर। ये दिख रहा है, मैं फिर से बताता हूं, जैसे यहां पे अपने लिखे SBIN, SBI का अपने को देखना है, SBI पे क्लिक किया, चार्ट पे क्लिक किया, इवेंट पे क्लिक किया। अगर आपको बाहरी देखना है तो ओवरव्यू जो डायरेक्ट होता है ओवरव्यू पे आप क्लिक करेंगे तो 2.60 रुपये। अब इसका हिस्ट्री चेक करना है तो इवेंट्स पे जाएंगे, इवेंट्स पे क्लिक करने के बाद आप ये देखिए कभी 30 रुपये भी डिविडेंड दिया है SBI ने, प्रति शेयर 30 रुपये, 35 रुपये, 41, 15 और डेट क्या है 28 मई 2013, सही डेट भी यहां लिखी है, आप पूरे रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि प्यार ज्ञान बांटने से बढ़ता है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। धन्यवाद।